क्लास में आती थी हम उनको सलाम नहीं करते थे, वो हमारी खूब बॉड लगवा देती थी। लेकिन हम क्या करें, हम गिरते, हम ये रोज की गलती दोहराते थे। मैम आयशा हबीब क्लास में आती थी, कश्यप चेयर लेके आ गया, ये बात रोज बनवाती थी। मैम बुशरा ने पार्ट्स ऑफ स्पीच बेहद कराई, रोज आती थी, करवाती थी, मगर हम क्या करें, हमें फिर भी समझ नहीं आती थी। 1977 की आईनी दमाद सेट जंग सब याद करके जाते थे, फिर भी यार पेपर में नंबर बड़े कम आते थे। कुछ अनकही हजारों बातें रह गई, न भूलने न भुलाने वाली हजारों यादें रह गई। याद करेंगे हम सब इस दिन को, हम मानते हैं। उर्दू का पीरियड आना, मैम मुन्नज़ा के क्लास में आते तशियों का रट्टा शुरू हो जाना, ये भी तय कसाना की गैर मौजूदगी मेरे जब शोर मचाते थे, ये सर न्याज किधर से आ जाते थे। अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो जा रहे हैं, तो क्यों ना उन दोस्तों का जिक्र करें जिनसे जुदा हो रहे हैं। हम जब मिलके बैठते थे ना तो बहुत बुराइयां करते थे, यार ये सब्जेक्ट याद नहीं होता, ये बात समझ नहीं आती, पर क्या करें, हमें तो पढ़ना था और हमारे उस्ताद ने हमें पढ़ाना था, बस इसी बात की खुशी थी हमें। हम जब मिलके बैठते थे ना तो हम कहते थे ये टेस्ट नहीं आता, वो टेस्ट नहीं आता, मैम बहुत डांटेंगी, पर जब टेस्ट देकर आते थे तो मैम बड़े ही प्यार से समझाती थी, वो हमें इस बात का एहसास दिलाती थी कि एक दिन हमें इन सब चीज़ों से ज़्यादा फेस करना पड़ेगा, जब हम आगे जाएंगे तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। हमारे सब उस्ताद-ए कराम जो यहाँ मौजूद हैं, मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमें इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया कि आज हम आप सबके सामने यूँ खड़े हैं, मैं आज खड़ी हूँ, इसका क्रेडिट मेरे तमाम उस्तादों को जाता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओरल ना सुनाने पर कई बड़े बड़े बहाने बनाते थे, मलाइका के घर में लाद था बस यही बहाना बनाते थे, फरजीन के घर जाते थे तो सिर्फ गोलगप्पे खाते थे, और मेरे घर आते थे तो मुझसे पूरी पूरी दावतें करवाते थे। अब हम अपनी स्पीच का इख्तिताम करने जा रहे हैं, एंड यू नो दैट इट इज इम्पॉसिबल टू कम्प्लीट माई स्पीच विदाउट इग्नोरिंग माई डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल। We are lucky to have a principal and director like you. It's your responsibility to make us the best person in this world. You know what? आज हम जो कुछ भी हैं वो आप लोगों की मार और डांट की वजह से हैं। मैं यहाँ एक किस्सा शेयर करती हूँ। कुछ टाइम पहले हमने स्कूल से बंक किया था, भाग गए थे, जुम्मे का दिन था, और जब वापस आए तो मैम नासरा ने खूब वार्ड लगाई थी हमारी, पर वो दिन उस दिन के बाद आज तक हमने कभी बंक नहीं किया, क्योंकि हमें उन्होंने बताया कि बंक करना गलत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप सब यहाँ पर आए, आप सब यहाँ पर हमारी इस खुशी में शामिल हुए, मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अपनी इस महफिल को एंजॉय करें, थैंक यू सो मच।